मुझे ये जानना है कि पहले प्यार किसे हुआ था। दोनों में से किसे पहले प्यार हुआ था, मीका को रणबीर से या रणबीर को मीका से? ये आप भी देख रही है कि मैंने मीका को पटाया ताकि मैं इसके करीब आ सकूं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ प्राची, पर अब जब तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ से जा भी नहीं पा रहा। मैंने कुछ पूछा, हम जानना चाहते हैं कि पहले किसको किससे प्यार हुआ था, है ना गाइस? हाँ हाँ, बताओ कैसे हुआ था। ऑफ कोर्स, तो अब देखो प्राची, तुमने मुझे इतना फोर्स कर दिया है तो मैं अपनी पूरी कहानी बताता हूँ, क्यों नहीं, है ना? शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि मैं अपनी बाइक पे जा रहा था, और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मीका गाड़ी बहुत तेज चलाती है ना, तो उसने अपनी गाड़ी से मेरी बाइक को ठोक दिया। ओह गॉड, ये तो पूरा सच बता रहा है। एंड उसके बाद जैसे कि सबको पता है, मेरा जो गुस्सा है ना वो हमेशा मेरी नाक पे ही रहता है, तो मैंने सोचा कि ये कौन लड़की है भाई, एकदम से ऐसे ठोक के चली गई। तो मैं गुस्से में गया सुनाने के लिए, और मैंने दरवाजा खोला, एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही मैंने मीका का चेहरा देखा ना, मैं अपना सारा गुस्सा भूल गया। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आई, और ट्रस्ट मी, इट वॉज लाइक लव एट फर्स्ट साइट, है ना? फिर उसके बाद क्या था, मीका की गाड़ी वहां से चली गई, मीका की गाड़ी तो वहां से चली गई, लेकिन मीका के जो थॉट्स थे ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकले। मेरे दिमाग में, मेरी रूम में, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ ऐसे मीका ही चलती रही। वाओ, फिर? अब मैं उसी जगह पे जहाँ पे मीका की गाड़ी ने मेरी बाइक को ठोक दिया था, मैं वहीं पे खड़ा रहा इस उम्मीद में कि मीका कभी आएगी, मुझे दिखाई देगी। उस टाइम तो नाम भी नहीं पता था, लेकिन मीका आई नहीं। So sad. I know, right? Very sad. लेकिन कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद मीका मुझे रोड पे तो नहीं मिली, लेकिन मीका को मैं मिल गया। एक पार्टी में मैं डांस कर रहा था, याद है रॉकी की पार्टी? तो वहां मैं डांस वांस कर रहा था, और डांस करते करते मीका ने मुझे देख लिया, और वहां मुझे ऐसा लगता है मीका को मुझसे प्यार हो गया। Am I right? Yes. लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लेकिन पार्टी वाली रात को बहुत बड़ा तूफान आया था, और इस बार मैंने रणबीर से हेल्प मांगी क्योंकि मेरी कार खराब हो गई थी, और इसने मेरी हेल्प की, थारो जेंटलमैन, और मुझे ये बहुत अच्छा लगने लग गया। मुझे लगा कि इतनी तूफानी रात में इसने मेरी हेल्प की है, और फिर मुझे भी प्यार हो गया। वाओ, बस कहानी खत्म, यही थी हमारी कुछ कहानी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, और फिर आप सबके साथ हमारी कहानी बन गई। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी, और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।